हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर भाषाएं, दैट मींस कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का उनके समतुल्य में रूपांतरण, दैट मींस कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स, कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, उस एग्जाम्पल में एक नंबर है 86, इसी नंबर को हम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम टू से डिवाइड करते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो टू से, जब 86 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 43। 43 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 86 जो है वो टू के टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, जीरो। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, जीरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद वो आप यहाँ पर साइड में लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, टू टू ज़ा फोर और टू वन ज़ा टू। अब कितना बचा, वन रिमाइंडर बचा इसमें। नेक्स्ट है टू वन ज़ा टू और जीरो, दैट मीन्स टू टेन ज़ा ट्वेंटी। 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचा, वन बचा, तो वो वन रिमाइंडर जो है वो हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। उसके बाद टू फाइव ज़ा टेन, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो, तो जीरो जो है वो यहाँ सामने लिख लिया जाएगा। टू टू ज़ा फोर, फाइव में से फोर गया कितना बचा, वन। टू वन ज़ा टू, कितना रिमाइंडर बचा, जीरो। तो इसी तरीके से जो भी डेसिमल नंबर होते हैं उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। ये डिजिट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे और इन्हीं रिमाइंडर्स को हम बाइनरी में लिखते हैं। अब जब आप इस डिजिट्स को लिखेंगे तो ये हमेशा बैक साइड यानी कि नीचे से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे वन, फिर ज़ीरो, वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी संख्याओं को उनके समतुल्य दशमलव संख्याओं में रूपांतरण, दैट मीन्स कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 100, जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर ज़ीरो से। ध्यान रखिएगा जब हम टू की पावर्स लगाते हैं तो टू की जो पावर होगी वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी, ना कि वन से स्टार्ट होगी। ठीक है, ज़ीरो इंटू टू की पावर ज़ीरो, देन उसके बाद प्लस का साइन, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू टेन टू टू की पावर वन, फिर प्लस का साइन, उसके बाद नंबर है वन, वन इंटू टू की पावर टू। इसी तरीके से आपको चाहे कितना भी लंबा डिजिट हो उसे इसी तरीके से लिखना है। और ध्यान रखिएगा जब आप पावर लगाएं तो टू की पावर ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, टू की पावर टू, दैट मीन्स आपको टू को दो बार मल्टीप्लाई करना है, टू टू ज़ा फोर, फोर को हमने वन से मल्टीप्लाई किया कितना आया, फोर, फिर प्लस का साइन, टू की पावर कितनी है, वन, तो टू वन ज़ा टू, टू को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ज़ीरो, देन ज़ीरो को हम टू की पावर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी क्या आएगा, ज़ीरो। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जब भी हम किसी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आउटकम जो है वो कितना होता है, ज़ीरो। तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। उसके बाद हम इन तीनों डिजिट्स को जब प्लस करेंगे तो ज़ीरो को ज़ीरो से प्लस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो में हम फोर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, फोर। तो यही जो है वो हमारी क्या होगी, डेसिमल नंबर। क्या हो गया ये हमारा, डेसिमल नंबर। आइए इसको एक बार चेक करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा सही है या नहीं। फोर है, फोर को हम डिवाइड करेंगे बाइनरी नंबर, दैट मीन्स टू से। टू टू ज़ा फोर, कितना बचा, ज़ीरो, रिमाइंडर कितना बचा, ज़ीरो। फिर टू वन ज़ा टू, अब कितना बचा, ज़ीरो। तो हमारी डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी बाइनरी वैल्यू कितनी आ गई, हंड्रेड, वन ज़ीरो एंड
जीरो। दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, फोर आंसर जो आया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्वेश्चन को एक और एग्जांपल से समझाते हैं। नेक्स्ट डिजिट हमने लिया है 1100। पहले हम इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2³। 3 हमने इसलिए लिया है 1 2 3 4। 4 है तो हम 0 की पावर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 1 2 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर कितना लिया है 3। तो उसके बाद प्लस अगेन 1 × 2 प्लस फिर क्या है 0, 0 × 2 की पावर कितना आएगा 0 प्लस 0 × 2 की पावर 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3, दैट मीन्स आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 की पावर कितनी है 2, तो हम 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। 2 2 ज़ा 4, 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पे है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इन सबको प्लस करते हैं। 8 में हमने 4 प्लस किया कितना हुआ 12, 12 में 0 प्लस किया 12, अगेन 12 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12। दैट मीन्स हमारा डेसिमल नंबर कितना आया 12। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार चेक करते हैं कि ये जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या नहीं। यही साइड में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 से 2 के टेबल से ये पूरा जा रहा है, तो कितना बचा रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, 3 से भी पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 1 ज़ा 2, अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1। तो हमारा कितना आया बाइनरी नंबर 1, ये वाला 1, 0 एंड दिस 0। इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, बाइनरी नंबर हमारा ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है, जो आंसर निकाला है, वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।